सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे बुगला पास के लिए और स्नोफॉल के चलते ये स्लीपिंग बैग भैया को दान दे देने हैं। सो गाइज आज के वीडियो स्टार्ट करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो पूरा देखा करिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखकर स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि हमारा उससे और टेंशन घटता है और हमें लगता है कि भाई देखा भी होगा तो क्या देखा होगा, कमेंट करके बस ऐसे ही निकल जाते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए उसके बाद कमेंट कीजिए। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पता ही होगा कि तवांग में है और मेरा डे आज सेकंड हो गया तवांग में, आई थिंक थर्ड हो गया क्योंकि शाम को आया था तो एक दिन तो उसे गिनती हो गया ना, तो डे थर्ड है। तो आज का प्लानिंग में ये है कि सबसे पहले मुझे तो जाना है DC ऑफिस, पता है क्यों? क्योंकि जाना मुझे बुमला पास, और बुमला पास के लिए परमिट की ज़रूरत होती है। तो ऑलमोस्ट बैग वैग रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो दो दिन मैंने यहाँ पर, एक भैया थे वही जगह दे दिए थे अपने रूम में, तो सो गया था वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं भाई, पत्थर मैंने देखा 2 बार पत्थर ना लुढ़क कर नीचे आ जाते, कैसे काम करते होंगे यार, बहुत मुश्किल है इधर काम करना, पत्थर रखते हैं लुढ़क जाता है, सो बहुत मुश्किल है काम करने के लिए। तो इन लोग के लिए भी एक सैल्यूट तो बनता है। अब आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है कि तवांग में होने वाली है बर्फ की बारिश। अभी मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि ये भी समाचार आया है मौसम विभाग, हमारे मोबाइल दाता ने बोला है कि 12 बजे के बाद क्लाउडी मौसम होगा तवांग में, उसके बाद वर्षा होने की संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है, मौसम तो कर रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, देखते हैं क्या मौसम बिगड़ता है या सुधरता है। सो गाइस, एक भी वीडियो में अभी तक याक नहीं दिखाएं, देखिए याक है ये, और इसके बारे में एक बात कहा जाता है कि जब बर्फ गिरती है ना तो इन लोग काफ़ी खुश होते हैं। ये देखिए हमारी तरफ देख रही है, कुछ करती नहीं है। सो गाइस, अभी हम हैं DC ऑफिस के जस्ट आगे खड़े। तो मैंने बुमला पास के लिए गया था, मैम आए थे, तो मैम बोले कि आपको गाड़ी मंडूटली है, आप जिस भी गाड़ी जाइएगा, आप लिफ्ट मांग कर जाएगा तो उस गाड़ी का नंबर भराएगा। तो 3 बजे के बाद ही बुमला पास के लिए फॉर्म होती है, भराती है सॉरी। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है बता देता हूँ। इनर लाइन परमिट का 2 फोटो और 2 डॉक्यूमेंट्स का 2 जीरोक्स कॉपी, तो दोनों जमा करना पड़ा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है गाड़ी आपको ज़रूरी होना चाहिए, कोई भी गाड़ी, आप चाहे शेयरिंग गाड़ी लीजिए चाहे अपना बाइक खुद का रखिए। तो देखते हैं, मैम बोले हैं कि आपको मैं कोई गाड़ी वाले से पूछूंगा, बात करूंगा कि अगर आप जा रहे हैं तो इन्हें ले ले जाइए, मतलब कि साथ में आप बुमला पास दिखा दीजिएगा। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है, अभी तो सुबह के 10 बज रहा है और मौसम कुछ इस प्रकार का है इधर का आज, सो वेट करना पड़ेगा शाम के 3 बजे तक। बोतल भुला गया, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है, गर्म पानी करना पड़ रहा है, जहाँ के तहाँ गर्म पानी, DC ऑफिस के जस्ट सामने गर्म पानी करके पी रहा हूँ। देखते हैं मैगी भी बनाते हैं, सुबह सुबह के टाइम में कुछ खाया नहीं यार, 10 बज गया। सुबह 12 बजने में भी 10 मिनट लेट है और अभी से मौसम बिगड़ने लगी है, देख सकते हैं माउंटेंस पे ऑलरेडी देख सकते हैं बर्फबारी आई थिंक हो रहा है, पता तो नहीं चल रहा पर वर्षा हो रही है। इधर तो मौसम काफ़ी क्लीन है पर उधर मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, देखते हैं 10 मिनट के बाद क्या होता है। अगर मौसम बदलेगा तो भाई मेरा तो हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये ग्लव्स काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। अभी हम बैठे हुए DC ऑफिस के पास और 12 बज चुका है, देखते हैं 3 बजे तक बोले हैं कि कोई ना कोई आते रहते, 3 बजे के बाद ही आते हैं लोग बुमला पास के लिए परमिट लेने के लिए। तो 3 बजे तक बैठते हैं और देखते हैं, कोई ना कोई भाई भगवान से दुआ कीजिए कि आप लोग कोई ना कोई मुझे लिफ्ट दे दे ताकि मैं बुमला पास तक चले जाऊँ। सुबह तवांग में 12 बज चुका है और मैंने जैसे बताया था कि 12 बजे मौसम यहाँ का चेंज होने वाला है, देख सकते हैं पीछे पहाड़ी पर मौसम ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और अभी तक मतलब इस ट्रिप में नॉर्थ ईस्ट में जब से मैं इंटर किया हूँ ना, ये कैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, बैग में ही था तो और इससे काम चल जा रहा था, पर भाई अब इतना ठंड बढ़ गया है इधर का कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं मौसम ऑलरेडी पूरा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो देखते हैं क्या होता है भाई, परमिट के लिए हम DC ऑफिस ही में खड़े हैं, देखते हैं जा पाते हैं या फिर यहाँ से मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा। सो गाइस, अभी हुआ 12:15 और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, कुछ कुछ दिख रहा होगा पीछे में, स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब कह सकते हैं कि भाई इसी के लिए तो तवांग आए थे, स्नोफॉल देखने के लिए, मतलब स्नो तो नीचे देखा हूँ पर स्नोफॉल नहीं देखा था लाइफ में, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ स्नोफॉल। अभी तो धीरे धीरे हो रही है, आई थिंक कुछ 1 बजे के बाद कुछ फास्ट हो जाएगी तो आपको अच्छा से दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा आपको क्योंकि कैमरा में छोटी छोटी चीज़ दिखना बहुत मुश्किल होती है, तो जब हाई भी स्नोफॉल होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा।
सो गाइस शाम के 2:30 हो चुका है और अभी तक कोई परमिट का मतलब पता भी नहीं चला और हल्के हल्के स्नोफॉल हो रही है, देख सकते हैं, आपको तो पता नहीं चल रहा होगा, वो माउंटेन से पता चल रहा होगा कि माउंटेन छिप चुका है, इधर से भी माउंटेन ऑलरेडी छिप चुका है। तो और ना शाम का प्लानिंग किया है कहाँ पर स्टे करना, कोई भी अभी तो पता लोकेशंस नहीं है, कैंप कहाँ लगाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तो 3:30 बजे तक बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ स्टे करना है। तो पहले परमिट तो ले ले बुमला पास के लिए और गाड़ी मिले तब ना, लिफ्ट मिलेगी तब ठीक है, मैं कल तो जाऊँगा, अगर नहीं मिलेगा तो कल मैं यहाँ से निकल कर आई थिंक सीला पास चला जाऊँगा। तो सुबह से हो चुका शाम और देख सकते हैं मौसम स्नोफॉल हो रहा है, इसकी वजह से बुमला पास कह सकते हैं कि बंद हो गया है, तो इसकी वजह से परमिट नहीं मिलेगा। तो मैम ने कहा कि बर्फ़ की वजह से मतलब वहाँ का कंडीशन जो है वो काफ़ी हैवी हो चुका है, यहाँ पे इतनी बारिश हो रही तो वहाँ पे 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना कितना भी होगा इसका कोई मालूम नहीं, क्योंकि इधर का मौसम ऐसा है तो वो तो भाई 15,000 फुट से भी ऊँचाई का है, तो उधर ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इसकी वजह से पूरे रास्ता क्लोज हो गया है। तो मिलिट्री जैसे यहाँ से परमिशन लेने के बाद मिलिट्री के पास जाता है कि वो बताते हैं कि रास्ता कैसा है, इसकी वजह से मिलिट्री वाले ने बोला कि नहीं है अभी रास्ता बहुत ख़राब हो गया तो अब जाने का परमिशन नहीं होगा। तो एक ही चीज़ का आप आनंद दे सकते हैं, या फिर स्नोफॉल का मज़ा लीजिए या फिर बुमला पास का। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक प्लान कर रहे हैं किसी के साथ और आने का, तो पता चल जाएगा किसके साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश परमिट। तो अब हम क्या करते हैं, आई थिंक तवांग में रुकते हैं और सुबह निकलने का कोशिश करेंगे, या फिर अभी भी देखते हैं अगर गाड़ी मिल जाएगी तो आई थिंक धीरांग निकलेंगे, नहीं तो सीला पास के लिए। सो गाइस शाम को बच चुके हैं 4 और अब मेरा रोज का ड्यूटी है कि कैंपिंग लोकेशन ढूंढना, तो चलते हैं और डीसी ऑफिस से ऑलरेडी मैं डिपार्चर करके अब चलते हैं कहीं पे कैंपिंग लोकेशन चुनकर ढूंढते हैं, उसके बाद कैंप लगाएंगे, खाना वाना तो देखते हैं क्या होता है, खाना तो ऑलरेडी मिल जाता है, 2 दिन वहाँ पर सर्किट हाउस में रुका था, अब नए लोकेशन पर रुकूँगा क्योंकि एक ही जगह पर रुकना सही नहीं होता है, उचित भी नहीं है, बार बार एक ही जगह पर रुकना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो जैसा कि मैंने समाचार आपको पहले ही बताया था कि 12 बजे के बाद होने वाला बर्फ़बारी, और मेरा समाचार बिल्कुल सही हो गया यार, मौसम विभाग से आया था ना समाचार तो सही भी हो गया। देखिए बर्फ़बारी कितनी हैवी वाली, अभी तो स्टार्टिंग है, काफ़ी हैवी वाली होने वाली है। सो देख सकते इधर, ओह माय गॉड, अभी पहले की बर्फ़ गली नहीं और फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया तवांग में। सो गाइस मैंने दिल्ली से जो स्लीपिंग बैग लिया था वो कोई काम का नहीं था, मतलब कर रहा था काम नॉर्मल टेम्परेचर में, तवांग में तो आई थिंक काम नहीं करेगा, जहाँ इसकी टेम्परेचर माइनस, तवांग में टेम्परेचर -20 रहती है ना, आई थिंक 20 रहती है। तो मैंने क्या क्लिप क्लाइंबर के लिया यार, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा हैवी भी है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करे, कैरी तो करना ही पड़ेगा। और ये स्लीपिंग बैग भैया को दान दे दे रहे हैं भैया को दे दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट होगा भैया बैग रख रहे तो अपना वाला भैया को बोल रहे भाई अपना बैग रख दे रहे हैं, स्लीपिंग बैग आप उसके बदल ये दे दीजिए थोड़ा पैसा लेकर। शाम के बज चुके हैं 5 और अभी तक कोई भी कैंपिंग लोकेशन नहीं मिला है, बस ऐसे चलते जा रहे हैं, देखते हैं आज क्या होगा, आई थिंक लगता है दिन आज मेरा ख़राब है क्योंकि पहले तो परमिट नहीं मिला और दूसरा कैंपिंग लोकेशन नहीं मिला यार, बहुत मुश्किल है ढूंढना। तो गाइस सोने का इंतजाम तो हो गया, यहीं पे टेंट लगाएंगे आज। तो गाइस देख सकते हैं किस जगह पे लोकेशंस पे लगाया हूँ आज का टेंट, तो भाई इसके लिए तो एक लाइक कर दिया करो यार, देखो ये बन रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, आई थिंक ये बस स्टॉप जैसा था, तो यहीं पे कैंप लगा कर अपनी कैंप लगा रहा हूँ, इसके बाद सो रहा हूँ यार, इतनी ठंड में भी कैंप लगा रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइक कर दिया करो, और लाइक नहीं करते तो शेयर ज़रूर किया करो भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर किया करो व्हाट्सअप ग्रुप में कहीं पे भी। तो ऑलमोस्ट टेंट उन लगा कर देख सकते हैं, टेंट के अंदर बैठ गया हूँ, तो अभी खाना बनाते हैं, भाई क्या बताऊँ, मतलब तो लोग जहाँ इतनी ठंड में 4 दीवारी के अंदर रहते हैं एकदम पैक में, वहाँ पे मतलब चारों तरफ से खुला हुआ है, मतलब कह सकते दीवार दिया हुआ है, खिड़कियों का ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अभी खाना खाते हैं, अभी यहाँ पे क्या होता है ना 6-7 बजे के बाद होटल बंद हो जाता है, तो रोटी ऑलमोस्ट नहीं मिला, तो अंडा खाऊंगा और मैगी बनाकर खाऊंगा, और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर में, स्नोफॉल हो रहा है, तो अभी खाना बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, अभी तो ऑलमोस्ट कितना बज गया, 7 बज चुका है यार।
तो अंडा का भुंजिया बनाया और खाने के लिए, क्योंकि और तो कुछ उपाय ही नहीं है। तेल था, मस्टर्ड डाल था ना, और इधर सब्जी मसाला मेरे पास था, नमक भी है ये ऑलरेडी, बनाकर खाया। अब देखता हूँ, अभी 3 अंडे और बचे हुए, मैगी है, पेट तो भर जाएगा भाई, पेट तो भर जाएगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ खाना पीना तो खा लिया, और अब सोने का प्लानिंग है, क्या करूँ। यहाँ तो भाई 8 बजे मतलब घना घोर रात हो जाती है। तो ये लिया था अभी क्लिफ क्लाइंबर का स्लीपिंग बैग, नया नया लिया हूँ, देखता हूँ कैसा है, क्योंकि वो वाला काम नहीं कर रहा था। दिल्ली से मंगाया, मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली का सारा अधिकांश सामान मेरा ख़राब निकल गया, सामान सब बिखरा पड़ा है। तो वीडियो को ऑलमोस्ट यही पेंट करते हैं। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।